Hello students, in the previous video we have discussed about the AC circuit contain only capacitor. तो प्यारे बच्चों वो हमने पूरा आर्टिकल किया था और उसमें कुछ टॉपिक्स भी हमने स्टडी किए थे. एक टॉपिक हमारा रह गया था कैपेसिटिव रिएक्टेंस. तो इसको आर्टिकल को हम करते हैं प्यारे बच्चों. कैपेसिटिव रिएक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स सी से. तो अगर आपसे पूछा जाए कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता क्या है, तो एक्चुअली हम बोलेंगे इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर. किसी भी कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस. किसी भी कैपेसिटर का, हर कैपेसिटर के पास क्या होता है, एक रेजिस्टेंस होता है. ठीक है प्यारे बच्चों, तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है. कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर. किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से. अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला देख लीजिए. एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन ओमेगा सी, ये इसका फॉर्मूला होता है. और ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2πf. तो एक्स सी कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 2πc. तो ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं. अब इसमें 2π और c क्या है, कांस्टेंट, तो और f क्या है, वेरिएबल. तो एक्स सी और एफ में जो रिलेशन है, हम ये बोल सकते हैं एक्स सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एफ. तो इनके बीच में जो ग्राफ आएगा, एग्जाम में आपसे ग्राफ पूछा जा सकता है फ्रीक्वेंसी और एक्स सी के बीच में. तो चूंकि एक दूसरे का रेसिप्रोकल है और फिजिक्स में जब भी दो चीजें एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो उनके बीच ग्राफ हमेशा क्या आता है, इस तरह से आता है. क्लियर हो गया प्यारे बच्चों. तो ये था हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस. ओके, अब हम कुछ न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे अपने एनसीईआरटी के, जो हमारे कंसेप्ट पर क्या है, बेस्ड है. ओके बच्चों, चलिए ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव एग्जांपल 7.3 ऑफ आवर एनसीईआरटी. A lamp is connected in series with a capacitor. Predict your observation for DC and AC connection. तो प्यारे बच्चों हमसे क्या कहा गया है, देखिए, let's solve the given situation. हमसे कहा गया है एक लैंप है और उस लैंप को एक कैपेसिटर के साथ सीरीज में कनेक्ट करना है. तो ये है हमारा कैपेसिटर और इस कैपेसिटर को मैंने एक लैंप से कनेक्ट कर दिया है सीरीज में. एक लैंप है उसको एक कैपेसिटर से क्या कर दिया गया है, कनेक्ट किया गया है सीरीज में. ओके, लेकिन यह काम हमने दो बार किया है प्यारे बच्चों. ये मैं फिर से कैपेसिटर लेता हूं और ये मैंने फिर से एक लैंप लिया. ओके, हमसे कहा गया है एक बार तो हम इसको कनेक्ट करेंगे डीसी सोर्स से. ये हमारा एक डीसी सोर्स यानी बैटरी. डीसी सोर्स का मतलब होता है बैटरी. और एक बार इसी चीज को हम कनेक्ट करेंगे प्यारे बच्चों अपने एसी सोर्स से. एसी सोर्स तो डीसी के लिए अलग ऑब्जर्वेशन लेने हैं और एसी के लिए अलग. तो फिर से समझ लीजिए, एक लैंप है उसको कैपेसिटर से कनेक्ट किया गया है. लैंप को कैपेसिटर से कनेक्ट किया गया है एक बार डीसी सोर्स से और एक बार एसी सोर्स से. तो ये हमसे, तो हम जरा देखेंगे
ऐसा करने पर लैंप क्या रिजल्ट देगा? तो जरा सबसे पहले इसको देखते हैं प्यारे बच्चों। ये जो डीसी सोर्स है, ठीक है, तो जरा समझिए। कैपेसिटर जब डीसी से करंट चलेगा, ये जो हमारा डीसी है सोर्स, यहां से करंट चलेगा और वो करंट किस में से फ्लो होगा? कैपेसिटर में से। तो ये कैपेसिटर क्या करेगा जरा समझिए। 4 DC करंट, डीसी करंट के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 0। डीसी करंट के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है प्यारे बच्चों? 0 होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। 4 DC करंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 0। डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है प्यारे बच्चों? 0। ओके, अब ये है रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/ωC। सॉरी, ωC रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर क्या होता है? 1/ωC। और डीसी करंट के लिए ओमेगा की वैल्यू क्या है? 0। तो 0 × C, क्लियर हो गया, यानी 1/0 यानी इनफाइनाइट। तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो जब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा तो क्या इसका ये करंट आगे बढ़ेगा? बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। यहां से ये जो करंट चलेगा, करंट आई, क्योंकि कैपेसिटर्स को क्या देगा? इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देगा, तो ये करंट क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। तो इसका मतलब डीसी करंट गेट ब्लॉक बाय कौन रोक लेगा? कैपेसिटर। डीसी करंट गेट ब्लॉक बाय कैपेसिटर। क्या ये बात समझा भाई? रेजिस्टेंस क्या हो चुका है? इनफाइनाइट। रेजिस्टेंस क्या हो चुका है? इनफाइनाइट। तो करंट क्या हो जाएगा? करंट ब्लॉक हो जाएगा। कैपेसिटर क्या करेगा? डीसी करंट को ब्लॉक करेगा, तो आगे करंट नहीं पहुंचेगा। तो ये लैंप क्या हो जाएगा? ग्लो नहीं करेगा। लैंप विल नॉट ग्लो। समझ लीजिए, क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, अब इधर देखते हैं कि अगर हम एसी सोर्स लगाएं तो क्या लेंथ ग्लो करेगा? तो देखिए प्यारे बच्चों, देखिए 4 AC करंट ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? फाइनाइट होती है, यानी एसी करंट की कुछ ना कुछ क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। एसी करंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो कुछ ना कुछ होती है, क्या है वो अलग बात है, लेकिन वैल्यू जरूर होती है। तो ओमेगा फाइनाइट, यानी ओमेगा की कुछ ना कुछ क्या होगी? वैल्यू। अब आ जाइए एक्सी, ये इसका रेजिस्टेंस, तो वो क्या होता है? क्योंकि यहां से जो करंट चलेगा वो ऐसे पहुंचेगा, ऐसे जाएगा, तो एक्सी क्या होता है? 1/ωC। अब ओमेगा की भी हमारे पास वैल्यू है, कैपेसिटेंस की भी हमारे पास वैल्यू है, तो यानी एक्स सी की कुछ ना कुछ क्या हो जाएगी? हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। यानी हमें यहां पे क्या मिलेगा? रेजिस्टेंस मिलेगा। क्या मिलेगा? रेजिस्टेंस। लेकिन क्या नहीं मिलेगा? इनफाइनाइट रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा। ये जो है यहां पे हमें रेजिस्टेंस तो मिलेगा प्यारे बच्चों, ये जो करंट आएगा एसी सोर्स से, जो करंट आएगा उसको रेजिस्टेंस तो मिलेगा, लेकिन इनफाइनाइट नहीं मिलेगा। बात समझा भाई? तो यानी करंट, एसी करंट फ्लो बट स्मॉल क्वांटिटी। देखिए
रेजिस्टेंस है, लेकिन बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं है, तो एसी करंट क्या करेगा? फ्लो करेगा, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं करेगा। क्यों? देखिए, ये जो रेजिस्टेंस आया, ये इतना ज्यादा भी नहीं है कि करंट को पूरी तरह से रोक ले, लेकिन इतना कम भी नहीं है कि करंट को पूरी तरह से फ्लो होने दे। तो यानी करंट फ्लो तो करेगा, लेकिन थोड़ा सा करंट फ्लो करेगा। तो अगर करंट थोड़ा सा फ्लो करेगा तो ये लैंप क्या करेगा? ग्लो करेगा। ठीक है, यहां ये जो करंट आया ये कितना आएगा? स्मॉल करंट आएगा। तो यानी जो लैंप है, लैंप ग्लो बट डिम, लैंप ग्लो तो करेगा लेकिन डिम ग्लो करेगा, ठीक है ना, उतना ज्यादा शाइन नहीं करेगा। तो आप या तो डिम लिख लीजिए या ये लिख लीजिए, नॉट मच शाइन। डिम लिखे या फिर क्या लिख सकता है? नॉट मच शाइन। तो क्या है बात, समझा भाई? तो हमारे पास एक लैंप था, उसको हमने कैपेसिटर से जोड़ा, एक बार डीसी सोर्स से लगाया, एक बार एसी सोर्स लगाया। डीसी सोर्स लगाने से लैंप ग्लो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो कैपेसिटर है वो डीसी करंट को क्या देता है? इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देता है, करंट आगे जाएगा ही नहीं। और जो कैपेसिटर है वो एसी करंट को रेजिस्टेंस तो देता है, लेकिन ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं देता, इसलिए थोड़ा बहुत करंट आगे चला जाएगा और लैंप थोड़ा सा ग्लो करेगा। ये बात समझा भाई? आगे बढ़ते हैं। इसने कहा है, व्हाट हैपन इन ईच केस इफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज रिड्यूस। अगर हम सी की वैल्यू को क्या कर दें? कम कर दें। हमसे आगे क्या बोला गया है? अगर आप इस सी की वैल्यू को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा? व्हाट हैपन इन ईच केस इफ कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज रिड्यूस। अगर हम इस सी की वैल्यू को क्या कर दें? कम कर दें, तो क्या हमारे रिजल्ट पे, कौन सा रिजल्ट हमें यहां पे क्या रिजल्ट मिला है? यहां हमारा रिजल्ट है लैंप विल नॉट ग्लो, और यहां हमारा रिजल्ट क्या है? लैंप ग्लो बट डिम। ये हमारा रिजल्ट है। तो हमसे कहा गया है अगर सी की वैल्यू को आप कम कर दें तो क्या आपका रिजल्ट चेंज होगा? तो देख लेते हैं प्यारे बच्चों। इफ सी रिड्यूस, तो अगर सी की वैल्यू कम होती है तो एक्स की वैल्यू, देखिए पहली बात तो सी की वैल्यू अगर आप रिड्यूस करते हैं, ठीक है, तो एक्स ये रेजिस्टेंस तो और बढ़ जाएगा जो पहले से ही क्या था? इनफाइनाइट। तो अगर हम देखिए, अगर हम सी को क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं, ठीक है, एक्स सी गेट इंक्रीज, क्योंकि ये दोनों क्या है? क्योंकि जो एक्स सी है वो सी के क्या है? इनवर्सली है। देख लीजिए दोनों एक दूसरे के क्या है? इनवर्सली। तो सी को अगर आप कम करोगे तो रेजिस्टेंस तो क्या बढ़ जाएगा, जो पहले से ही क्या था? इनफाइनाइट था। तो लैंप विल नॉट ग्लो, यानी पहले भी ग्लो नहीं कर रहा था, अभी भी ग्लो नहीं कर रहा है, तो नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ, पहले भी ग्लो नहीं करता और अभी भी ग्लो नहीं करेगा। आगे देखिए, अगर हम सी को रिड्यूस कर दें, इफ सी रिड्यूस, तो अगर आप सी को रिड्यूस करोगे तो एक्स सी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। वाई? क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या हैं? इनवर्सली है। तो अगर आप कैपेसिटेंस को कम करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा, यानी जो लैंप है जो थोड़ा बहुत ग्लो कर रहा था अब और कम ग्लो करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट अब और कम पहुंचेगा। तो एक्सी के इंक्रीज करने से एक्स इंक्रीज यानी करंट डिक्रीज,
करंट डिक्रीज, लैंप बिकम मोर डिम, मोर डिम यानी और भी ज्यादा डिम हो जाएगा, लैंप बिकम मोर डिम, ठीक है, और भी कम क्या करेगा, शाइन करेगा। तो ये थे हमारे रिजल्ट, तो बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, आपके बोर्ड में आ जाता है और कंसेप्शनल वाइज भी काफी अच्छा न्यूमेरिकल है। ओके प्यारे बच्चों, ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट एग्जांपल 7.4। इसमें क्या दिया है प्यारे बच्चों, अ 15 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, देखिए सॉल्व करते हैं गिवन कंडीशन को। C की वैल्यू दे दी है 15 माइक्रोफेरेड, यानी 15 इंटू 10 की पावर -6, माइक्रो की वैल्यू क्या होती है 10 की पावर -6, इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट, वोल्टेज की वैल्यू दे दी है 15 हर्ट्ज सोर्स, ठीक है, तो आपको फ्रीक्वेंसी दे दी है F इज इक्वल टू 15 हर्ट्ज। तो हमारे पास एक कैपेसिटर, ये हमारा कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर को एक एसी सोर्स से क्या कर दिया गया है, कनेक्ट कर दिया है एसी सोर्स। चलिए, और ये जो एसी सोर्स है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 15 हर्ट्ज और कैपेसिटेंस कितनी है, एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज और कैपेसिटेंस कितनी है 15 माइक्रोफेरेड, और माइक्रो को 10 की पावर -6 में हमने कन्वर्ट कर लिया। फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो प्यारे बच्चों आपसे एक्स सी की वैल्यू पूछी गई है, किसकी वैल्यू पूछी गई है, एक्स सी की वैल्यू, ये सब क्या है आपको गिवन। ओके, तो सिंस एक्स सी इज इक्वल टू 1/ωc, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2πfc, ठीक है, जो ओमेगा होता है वो कितना होता है 2πf, ये फॉर्मूला होता है ओमेगा का। तो जरा ध्यान देना xc कैसे निकलेगा, 1/2, पाई की वैल्यू 3.14, f कितना है 50, c की वैल्यू 15 इंटू 10 की पावर -6। तो व्हेन यू विल सॉल्व ऑल दिस डाटा, ठीक है, जब आप इस पूरे डाटा को क्या करेंगे सॉल्व, तो ये आपको आ जाएगा 212 ओम, ठीक है, तो ये आपका दिस विल, इस पूरे डाटा को जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट दिस आंसर 212 ओम। आगे बढ़ते हैं, हमसे पूछा गया है करंट निकालिए, एक तो कौन सा आरएमएस करंट और एक पीक करंट, दो करंट हमें निकालने हैं। तो जरा ध्यान देना, मैंने आपको बताया था फॉर्मूला क्या होता है, फोर कैपेसिटर, तो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला क्या है V इज इक्वल टू IR, ये फॉर्मूला होता है, लेकिन कैपेसिटर के लिए क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस XC, क्या ये बात समझ जाओ, फिर से समझ लीजिए, V इज इक्वल टू IR, ये हमारे पास फॉर्मूला है, लेकिन ये फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस के लिए, लेकिन हमारे पास क्या है कैपेसिटर, तो कैपेसिटर का रेजिस्टेंस क्या होता है XC, एक बात, फिर जैसा वोल्टेज वैसा ही करंट, तो हम वोल्टेज क्या ले लेते हैं RMS, तो करंट भी क्या आ जाएगा RMS, तो यहां से RMS करंट क्या हो जाएगा VRMS ओवर XC, क्लियर। अब VRMS क्या होता है, मैंने आपको बताया था इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है VRMS की 220, और वैसे भी आपको गिवन है 220 वोल्ट, ठीक है, जो VRMS होता है वो कितना होता है 220 होता है। ये जो हमारा एसी सोर्स है इसकी वोल्टेज गिवन है VRMS इज इक्वल टू 220, ये गिवन है वैल्यू, और वैसे भी RMS वोल्टेज 220 होती है, ये पिछले वीडियो में भी मैं कई बार आपको बता चुका हूं। चलिए,
एफ सी की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 2/2, 2/1/2। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे मतलब सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 1.04 एम्पियर। ठीक है, तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आरएमएस वैल्यू आ गई, अब क्या बचता है, पीक वैल्यू। तो क्या है बच्चों, आरएमएस करंट और पीक करंट में क्या रिलेशन है? तो देखिए, सिंस बता सकते हैं क्या होता है, आई आरएमएस इज इक्वल टू आई नॉट ओवर रूट टू, ये रिलेशन है। तो आई नॉट कितना हो जाएगा, आई आरएमएस इनटू रूट टू। तो आई नॉट इज इक्वल टू आई आरएमएस कितना है, 1.04। ठीक है, रूट टू की वैल्यू क्या होती है, 1.414। ठीक है, तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 1.47 एम्पियर। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे ये आंसर आपको आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमसे क्या पूछा गया है, इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल, फ्रीक्वेंसी यानी एफ, अगर इसको डबल कर दिया जाए तो कैपेसिटेंस रिएक्टेंस यानी एक्ससी और करंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए, सिंस एक्ससी इज इक्वल टू 1/2πfc, यही तो रिलेशन है, एक्ससी क्या है 1/ωc, ओमेगा क्या होता है 2πf। ठीक है, तो यहां से क्या बात आई कि जो रिएक्ट कैपेसिटर का रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली है किसके, फ्रीक्वेंसी के। तो अगर फ्रीक्वेंसी को डबल कर दे, इफ एफ गेट डबल, तो ये अगर डबल होगा तो ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ये जितना इंक्रीज होगा ये उतना ही क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो एफ अगर डबल हो जाता है तो एक्स ही क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली है, एक जितना बढ़ेगा दूसरा उतना ही घट जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी को अगर आप डबल करते हो तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। दूसरा क्या पूछा है, करंट। तो जरा ध्यान देना, करंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस फॉर्मूले को देखिए, यहां करंट और ये दोनों रेजिस्टेंस एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली है। तो जरा ध्यान देना, सिंस आई आर एम एस इनवर्सली टू रेजिस्टेंस, करंट और रेजिस्ट देखिए इनवर्सली है, तो अगर फ्रीक्वेंसी डबल होती है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ, और रेजिस्टेंस अगर हाफ होगा तो करंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो देखिए, इफ एफ गेट डबल, एफ के डबल होने से एक्स सी क्या हो जाता है, हाफ, और इसके हाफ होने से ये क्या हो जाएगा, डबल, यानी करंट गेट डबल। तो प्यारे बच्चों, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ एग्जांपल 7.4। ओके स्टूडेंट, इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल 7.5 व्हाट वी हैव, अ लाइट बल्ब एंड एन ओपन कॉइल इंडक्टर आर कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स। हमारे पास प्यारे बच्चों एक कॉइल है, वी हैव अ कॉइल एंड अ बल्ब जो आपस में कनेक्ट है किससे, एक एसी सोर्स से, और एक हमारे पास क्या है, की। चलिए, क्या कहा जाता है, एज शोन इन फिगर। चलिए आगे देखते हैं, द स्विच इज क्लोज, तो हम इस की को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, ये की हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। एंड आफ्टर सम टाइम, और थोड़े दिन बाद क्या होता है, तो हमसे कहा गया है द स्विच इज क्लोज, इस की को क्या कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए।
एंड आफ्टर सम टाइम यानी कुछ देर बाद एन आयरन रोड इज इंसर्टेड इनटू द इंटीरियर ऑफ द इंडक्टर। इंडक्टर यानी कॉइल। इंडक्टर का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? ये जो इंडक्टर का मीनिंग है, इंडक्टर का मीनिंग होता है कॉइल। ठीक है, इंडक्टर का मतलब होता है कॉइल। तो हमसे कहा गया है कि आप इस कॉइल के अंदर एक आयरन की रोड रख दीजिए। पुट एन आयरन रोड इनसाइड द इंडक्टर। तो ये हमारी क्या है? एक आयरन रोड। ठीक है, तो हमसे कहा गया कि की को क्लोज कीजिए और कॉइल के अंदर एक आयरन रोड रख दीजिए। तो क्या होगा रिजल्ट? जो बल्ब है क्या वो उसकी ग्लो बढ़ जाएगी, क्या ग्लो कम हो जाएगी, या उसकी ग्लो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमें पता करना है। तो लेट्स सी विच वन इज द करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों। सॉल्व द गिवन सिचुएशन। तो प्यारे बच्चों, ये जो आयरन रोड होती है ये एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कौन होते हैं? जो मैग्नेटिक फील्ड को क्या बढ़ा देते हैं। देख लीजिए, आयरन रोड इज फेरो मैग्नेट विच इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कॉइल। तो जो आयरन रोड है वो एक तरह का क्या है? फेरोमैग्नेट है, जो मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। किसके अंदर? कॉइल के अंदर। तो जैसे आप आयरन रोड को कॉइल के अंदर रखोगे तो कॉइल के अंदर क्या बढ़ जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। क्या बात समझा भाई? ओके। अब प्यारे बच्चों एक बात बताइए, कॉइल के लिए समझिए, सिंस फाई इज इक्वल टू एल आई, क्या ये फॉर्मूला आप जानते हैं? हाँ, कॉइल के लिए फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है देख लीजिए, फाई इज इक्वल टू एल आई। ये फॉर्मूला जानते हैं, फाइ इज इक्वल टू एल आई किसके लिए? फॉर कॉइल। कॉइल यानी इंडक्टर। ऑल्सो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए। तो फाइ इज इक्वल टू एल आई किसी भी कॉइल के लिए, और फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? बी ए। तो इसका मतलब बी ए इज इक्वल टू एल आई, यानी B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। क्या हम ये बात कह सकते हैं? तो देखिए, आयरन में आयरन रोड रखने से क्या बढ़ गया? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। क्लियर हो गया? और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने से क्या बढ़ जाएगा? L बढ़ जाएगा। तो देखिए, बाय इंक्रीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एल ऑल्सो गेट इंक्रीज। बी किस पर डिपेंड करेगा? एल पर। और हमने देखा आयरन रोड इंसर्ट करने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने से क्या बढ़ जाएगा? एल की वैल्यू बढ़ जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, आगे समझिए। अब प्यारे बच्चों, फॉर कॉइल, कॉइल के लिए हम एक्सएल का फॉर्मूला क्या जानते हैं? किसी भी कॉइल का रेजिस्टेंस क्या होता है? एक्सएल। और उसकी वैल्यू क्या होती है? ओमेगा एल। देख लीजिए, किसी भी कॉइल के लिए रेजिस्टेंस क्या होता है? एक्सएल। और एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा एल। तो यानी
XL डायरेक्टली डिपेंड ऑन L। अब जरा ध्यान देना, L क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो L के इंक्रीज होने से क्या हो जाएगा, XL भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो बाय इंक्रीज ऑफ L XL ऑल्सो गेट इंक्रीज। क्लियर हो गया? कॉइल का रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, एल पर। जब आपने आयरन रोड रखा कॉइल के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने से एल बढ़ जाएगा और एल के बढ़ने से एक्सएल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एक्सएल बढ़ जाएगा बाय इंक्रीज ऑफ एक्सेल करंट गेट डिक्रीज, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा। और करंट कम होने से क्या ये बल्ब क्या होगा, इसकी जो ग्लोनेस है वो डिक्रीज हो जाएगी। करंट गेट डिक्रीज, हेंस ग्लो ऑफ लाइट बल्ब गेट डिक्रीज। खत्म। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बोर्ड में कई बार आ चुका है और ये न्यूमेरिकल काफी है आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो इस तरह के जो न्यूमेरिकल है वो आपको बता देते हैं कि क्या आपके कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है। तो बहुत ही अच्छा नंबर निकल है, आप इनको जरूर करें। ओके बच्चों, चलिए।